इंस्टेंट नोटिफिकेशन फॉर ऑल न्यू वीडियोस मिलेगी। ये देखो बोल रहा था ना परसोली, तब हम भगवान बिड़ी पहले चलते थे। हाँ कूल कूल बहते हैं। हाँ अच्छा पैदल पैदल। और वो भगवान भगवान भगवान। अच्छा कथा बोले भगवान एक बिड़न 18 किलोमीटर का जो रास्ता था। यहाँ के जो लोग जहाँ पे भी कोई एक्सपायर होते थे लोग, तो उसको भगवान लेते थे। तो यहाँ से भगवान है 18 से 19 किलोमीटर का रास्ता, तो इसी रास्ते से ले आते थे उनको। पुराने टाइम की जो बात है, अब तो हर जगह रास्ते बन गए हैं, सड़कें बन गई हैं। तो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल होता होगा बिना रोड के। अब उत्तराखंड में पूरी रोड का जाल बिछ चुका है, तो जितना फैसिलिटी हो गई है। पुराने जमाने में मतलब घास नहीं होती, साबुन नहीं होते ना, तो इसको कपड़े रगड़ने के लिए। और ये ऐसे निकालना नहीं इसको, जैसे जन एलोवेरा इकट्ठा करके फिर कूटते हैं, फिर झाग बनता है उसका, फिर उससे कपड़े धोते हैं, रगड़ते थे ये वाले। ये हमारा पहले का साबुन यही है। हाँ, जो पुराने टाइम का साबुन, समझ लो। अच्छा, ये एक्चुअली जो ये है एक लैंडमार्क है। तो ये एक लैंडमार्क है जिससे कि हमारी गढ़वाली में बोलते हैं वार्ड। तो मतलब ये सोनकोट का एरिया हो गया, इससे ऊपर का जितना भी एरिया है वो ललोड़ी खाल का है। तो जैसे जैसे सड़कें आ रही हैं, एक्चुअली इजी टू माइग्रेट हो गया, लोग कभी भी जा सकते हैं, लेकिन माइग्रेशन ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए कभी ने बोला था कि सड़क तुम अब आइए गाँव, जब पूरा गांव शहर जा चुका है। पहले जैसे तुम्हारे दादा परदादा थे ना, यहाँ से हमारे गोरू भैंसा चराने के लिए बारगुड़ा डांडा जाता। अच्छा, तो बारगुड़ा डांडा जाते ही जब रास्ता था यहाँ से आने का पहले का, तो यहाँ से जाते थे नीचे भैंसा कड़ा वे कहीं। और जब मुहाबरी हम धारा में बोल रहे ना, उसमें खाल था, बहुत बड़ी खाल था, तो वो नहीं था। तो जब ये बीच सेंटर, मतलब सेंटर में भी नहीं है, पर पुराने लोग इस पत्थर में बैठ के सो जाते यार। जब बारिश आती और बारिश आती थी तब ये ओढ़ ना, इतना बड़ा पत्थर है, जो कितना लंबा है, 20 फीट के आसपास का पत्थर है। पुराने लोगों का टाइम, ये पुराने लोगों ने ऐसे पलटा रखे, जो कितनी ताकतवर चीज थी, जो पलटा के रखा है। तो आप ये रास्ता देख रहे हो अभी, आप कितने साल वाले ये रास्ते भी बताना आप। यह तुम्हें है नहीं कभी ना, कल मैं हम तो नहीं बिटो था। ये हमारे जब अजीत चाचा का मकान है ना, हाँ, उसका पीछे ही रास्ता। अच्छा, तो ये रास्ता थोड़ा बिल्कुल अलग पड़ता है, जो हमारा पहले आने का रास्ता था वो अलग डिफरेंट था। शुरू है ये रास्ता, ये था ये पुराना। चल 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 चल, लोडी वालों का ये। हाँ, तो आज आपको मैंने काफी लंबा आएगा, हमें बोल रहे भाई साहब बंदरों के चक्करों में खड़े हैं सुबह से शाम। यहाँ देखो, यहाँ की बंदर ने ऐसा दर्शन भी खड़ा करो। ये आप अजीत, तो अभी हम आधे तक आए हैं सिर्फ नीचे। अभी तो ये इकट्ठे हो रखे हैं, पर इतने सारे एक जगह नहीं होंगे, तो थोड़े जब बड़े हो जाएंगे तो उनको अलग अलग करके अलग अलग जगह रोपेंगे, ताकि इसका मिर्च का इसको बिजाड़ बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो होती है उसको बिजाड़ बोलते हैं। जो मड हाउस होते हैं, गांव में भी कभी दिखाए हैं कि मड हाउस वगैरह, बाहर से वो वैसे ही होते हैं जो पत्थर होते हैं, अंदर से उनको गोबर का लेप किया जाता है। तो ये सारा अभी भी लोग ऐसे ही, ये आपने गुलाब का भी देखा होगा, एक पेड़ है पूरा गुलाब का, 8-10 गुलाब, तो उसकी जड़ पूरी एक ही है। तो इतने गुलाब एक ही पेड़ में। तुम्हारी कहते हैं नीचे ये यहाँ से लगाए कि पूरा वहाँ तक, पूरा यहाँ से ना। हाँ, ये यहाँ लेके वो पूरा एंड तक, ये हमारा खेत है। ये बड़ा जो नींबू होता है, ये देखो, ये रहा, ये
बाड़े के जो लिम्बे होते हैं उसका पेड़ है ये। ये गांव है नीचे, जो गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैकिंग करते हैं कहाँ जाते हैं। ये यहाँ से होते हुए ऊपर, और ये स्कूल है, ये लरोड़ी का स्कूल। तो ट्रैकिंग का जो चलन है उत्तराखंड में स्टार्टिंग से जाता है, ये रास्ता है। अभी यहाँ से नीचे जाएंगे और वहाँ से नीचे चलेंगे गांव की तरफ। देखो गांव में ढोल बजने शुरू हो गए, देखो कितनी दूर गांव है और यहाँ तक उसके ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी चाय पीते हैं फिर बाद में। और अभी अजीत और यहाँ से हम आ गए हैं, और यहाँ से अभी हम नीचे जा रहे हैं। ये हमारा जो पितृ देवता होते हैं उनका मंदिर है। क्या है क्या क्यों ये कौन है? तो गांव में इस टाइप के वैसे हमारे पितृ देवता है उसका मंदिर है। मंदिर आपको कोई दिखेगा नहीं, पर अभी पत्थर वत्थर रखे हैं सिर्फ, लेकिन जो पूजा होती है वो यहीं पे होती है। पुराने लोग मेहनत में हो जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ लोहड़ी रखते तो सब इसमें नीचे छिप, जब उस टाइम दिखाई देती है बाद में दिखाई नहीं देती, वो सब इसके अंदर समाज पर अपने आप। जितने भी जो गोल गोल पत्थर होते ना उतना बोल लोहड़ा, तो वो अंदर अंदर वो सारे अंदर समाते रहते हैं सारे पत्थर। आप जितने यहाँ पत्थर को सारे अंदर समाते रहेंगे वो, तो लोग आके वहाँ पे करते हैं। अभी तो ये इसी तरीके से एक इधर ये जो पेड़ है, ये यहाँ पे नरसिंह का मंदिर है और उसके पीछे नागरजा का मंदिर है। तो अभी हम गांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग खेतों का नाम अलग अलग कर लो पहले के लोग, यहाँ पे कौन सी जगह घास के लिए, कौन सी जगह खेत में जाना है, तो घर में बताने के लिए कि इसका नाम ये रखो उसका नाम रखो। जैसे ये बैसा कलड़ा होगी फिर अच्छा भैंसा कलड़ा नहीं बैसा कलड़ा है। हाँ भैंसा कलड़ा, अच्छा भैंसा कलड़ा मड़बाटू होगी, ये तो मड़बाटू बोल रहे। अच्छा इसको ऊपर वाला जो एरिया है ये दो होगी है ना, उसके बाद वो नागरजा हो गया, नागरजा की धार यहाँ पे, फिर पहली नरसिंह धार। तो इस तरीके से जो गांव में है एक जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है उसके जगह नाम रख देते हैं, ताकि इजी टू कम्यूट हो जाए लोगों को कि भाई अभी लोग कहाँ पे हैं। अगर कोई लोग यहाँ पे आए हुए हैं घास काटने के लिए, क्योंकि कोई घास काटने के लिए तो कहीं कहीं जाते थे लोग, तो उसके लिए अगर किसी को पूछना है कि कहाँ गए हुए हैं, तो बिना अगर लोकेशन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप उसको ढूंढ नहीं पाओगे। तो हर पर्टिकुलर सेक्शन का नाम रखते थे, तो इसका नाम जगह नाम है ब्यासो कल्डा, तो उस तरीके से अलग नाम रखा हुआ हर जगह का, तो इजी टू कम्यूट। पापा भी वो के रंडू जापान भेजे सिंगापुर रंडू अब दुबई, अब तो हर देश जान लो घूमना का। तो जो हमारा लोकल जो गांव से जो रास्ता है, जो स्कूल के बच्चे जाते हैं ट्रैकिंग करते हुए, वो यहीं का रास्ता है। जब पहले नीचे वाली रोड नहीं थी तो अभी यही थी, जो नीचे वाली रोड है वो बने हुए एक डेढ़ साल हुए। तो ये गांव अभी स्टार्ट हो गया है। एक नेचुरल सोर्स यहाँ पे भी था, समा गया अंदर पूरा पानी। तो टाइम टाइम पे कहीं पे भी पहाड़ों में जो नेचुरल सोर्स है वो निकलता रहता है, वो लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके उसको यूज बना सकते हैं। गांव में एंट्री कर रहे हैं धार बेटे। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, बहुत बढ़िया। और क्या तैयारी? अच्छा अच्छा चला। और तबियत पानी ठीक है? सब हमारे सत्तू भाई हैं,
अच्छा। अब उसके बाद फिर निकाल देते, बाद में क्या करते हैं उसको जैसे तेल डाल के कढ़ाई में जख्खा से खोल के तो अभी गांव में हैं, अभी हम गांव से जा रहे हैं। नमस्कार। हेलो, अब पैर का फूल पालो कहाँ पर? तू मोबाइल बैठा जा। अच्छा नहीं, फोन नहीं, मेरे पैर ही बात कर रही है। जाओ, चल चल चल। क्या कोई क्या हुआ? हाँ, फोन करने को। इसकी जगह हमको लग गया। हाँ, इसकी जगह हमको लग गया। तो मसाला बना लाया कभी? मूर्ति मायूर मान बांध रू मेरा सर्दी करे आ जाऊ। यार भाई से मैं थोड़ा नाराज। क्या भाई, तू ऐसे आदमी को ले गया जो कि काम नहीं करता? मैं ले गया हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं आप उसमें पानी नहीं आ रहा। तो वहाँ गए तुम? हाँ, से बोलना था एक जाओगे घर घर पे क्या आज शाम कर कल सुबह का काम? हाँ, किसी को साथ में भेज दो बस। हाँ, एक लड़का साथ में यहाँ कर, किसी को पता होगा ना, घर पूछ लेना। हाँ, और एक बात हुए गण चौको दे रहा हूँ यहाँ, अजीत को तो फोन कर दिया। अच्छा, वो मुझे ड्राइवर दे दान गण चौको तुम कर पता कर लेना बात। अभी नाश्ते की तैयारी। ये हम पूरा बना रहे हैं, पूरा किसी भी नॉर्मल बन रहा है, प्रसाद बन रहा है ये। या प्रसाद बनेगा। और दिन का जो हमारे एक बोलते हैं बड्डू वायु बड्डू, अभी तक खराब है वीडियो नहीं यू है क्या? वो चार पेड़ लगे थे ना उनका, यार तो ये ना बोल रहे बड्डू मोटी दाल, मोटी दाल जितनी भी है बड्डू में चढ़ा रखी है, क्योंकि उसको ये माँ अभी दाल होल चढ़ाई सात पता। पानी के लिए से चढ़ा हुआ है स्टार्ट होगी। चलिए, ओके, सबको नमस्कार, गुड बाय।